प्यारा सा छुटकू सा दोस्त, लेकिन आज मैं नजर नहीं आऊंगा। पता है क्यों? क्योंकि आज हम एक मजेदार गेम खेल रहे हैं जिसका नाम है कैंट सेट गो। चलो चलो दोस्तों, अब बताओ कि मेरी आंखें कहाँ सेट होंगी, क्योंकि बिना आंखों के तो मैं देख ही नहीं पाऊंगा ना। जल्दी से सेट कर दो। और हाँ, हो गई मेरी आंखें सेट। अब मेरा मुंह सेट कर दो। हाँ, मुंह से ही तो बात कर पाऊंगा। ओ देखो मेरे सर पे क्या है, और ये है मेरे डिंपल। ये है मेरा स्टमक यानी कि पेटू, इसमें ही सारा खाना जाता है और कैंट को ताकत भी मिलती है। अब क्या रह गया बताओ बताओ? हाँ, मेरी ट्रंक यानी कि सूंड, ये रही। ये आप लोगों ने मुझे पूरा बना दिया। ये अरे लेकिन कुछ तो अधूरा सा लग रहा है। हाँ, रंग भर देते हैं जो बहुत सुंदर लगेंगे। हम इन रंगों के नाम भी सीखेंगे। सबसे पहला वाला रंग है येलो, और ये भर दिया, इसे हम पीला रंग भी बुलाते हैं। अब चलो दूसरे रंग की बारी। चलो बताओ ये कौन सा रंग है, बताओ बताओ? हाँ, ये ब्लू है यानी कि नीला। अब तीसरे रंग की बारी है, ये कौन सा रंग है? वुहू, ये है पिंक यानी कि गुलाबी गुलाबी। वाह, मजा आ रहा है ना? ओ, अब तो मुझे कुछ नहीं दिखेगा क्योंकि ये सूंड के नीचे है। बताओ ये कौन सा रंग है? हाँ, रेड यानी कि लाल रंग। और आप आ रहा है, कौन सा कलर है ये, देख सकते हो तो बताओ? हाँ, ये है ग्रीन यानी कि हरा रंग। और सबसे नीचे कौन सा पेंट होगा? ये आखिरी वाला है, ये है ऑरेंज रंग यानी कि नारंगी। तुम सबने गेम पूरा कर लिया, चलो अब बाद में मिलते हैं, बाय। हेलो दोस्तों, मैं आ गया, आपका प्यारा सा छुटकू सा दोस्त कैंट द एलिफेंट। आज हमें गेस करना है कि इन लोगों के पास कौन कौन सी गाड़ियाँ होती हैं। ओ, ये तो पुलिस मैन है, और इस कार्ड के पीछे कौन होगा? डॉक्टर, ये हमें सुई लगाते हैं। इस कार्ड के पीछे कौन है? आइसक्रीम मैन। यम यम। और इस वाले के पीछे है फायर फाइटर, ये आग को बुझाते हैं। और ये है फार्मा, इन्हीं की वजह से हम खाना खा पाते हैं। बहुत बढ़िया दोस्तों, चलो शफल कर दिया और ये आ गए तीन कार्ड। और कैंट भी आ गया। चलो देखते हैं सबसे पहले किसकी गाड़ी आने वाली है। आहा, जानी पहचानी लग रही है, नहीं दोस्तों? ये किसकी गाड़ी है? क्या ये पुलिसमैन की गाड़ी है? बिल्कुल भी नहीं। क्या ये डॉक्टर की गाड़ी है, तुम्हें लगता है? बिल्कुल नहीं। तो फिर ये शायद होगी, किसकी गाड़ी होगी बताओ? क्या तुमने गैस किया दोस्तों? बताओ बताओ। हाँ, आइसक्रीम मैन की गाड़ी। इनके पास बहुत सारे फ्लेवर होते हैं, और आइसक्रीम ट्रक में बैठते हैं आइसक्रीम मैन। चलो अब अगले राउंड पर चलते हैं, देखते हैं कौन सी गाड़ी आएगी। ओ टीनो टीनो, ये तो एम्बुलेंस है। क्या ये आइसक्रीम मैन की गाड़ी है? अभी तो हमने देखा कि उनकी गाड़ी कैसी दिखती है। तो क्या ये फायर फाइटर की गाड़ी है? बिल्कुल भी नहीं। तो ये होगी, बताओ बताओ, क्या ये डॉक्टर की गाड़ी हो सकती है? हाँ, एम्बुलेंस तो डॉक्टर्स की गाड़ी होती है। तो दोस्तों, एम्बुलेंस में बैठते हैं डॉक्टर। बड़ा मजा आ रहा है ना दोस्तों? अब तीसरा राउंड, देखते हैं किसकी गाड़ी आएगी। क्या ये जाना पहचाना लग रहा है? क्या ये आइसक्रीम मैन की गाड़ी है? इसमें कहाँ आइसक्रीम बेचेंगे? तो क्या ये पुलिसमैन की गाड़ी है? इसमें तो दरवाजा ही नहीं है, चोर तो भाग जाएगा। तो फिर क्या ये फार्मर की गाड़ी है? बताओ बताओ, क्या तुम्हें लगता है ये उनकी गाड़ी है? हाँ, ये फार्मर की गाड़ी है, बिल्कुल सही पहचाना। तो ये है ट्रैक्टर जिसे चलाता है फार्मर। हमने कितनी सारी गाड़ियों के बारे में जान लिया ना, देखते हैं अगली वाली कौन सी आएगी। आहा, ये तो एक फायर ट्रक है।
कितना लंबा है ना? क्या ये डॉक्टर का है? नहीं, ये डॉक्टर का नहीं है। तो क्या ये आइसक्रीम मैन का है? बिल्कुल भी नहीं। तो देखते तीसरे कार्ड में क्या है? फायर फाइटर। तो बताओ क्या ये फायर ट्रक फायर फाइटर का है? बिल्कुल सही, ये इन्हीं का ट्रक है। तो दोस्तों फायर ट्रक को चलाते हैं फायर फाइटर। अब देखते हैं अगली गाड़ी किसकी आएगी। मजा आ रहा है ना दोस्तों? अरे आ गई पुलिस कार। कितनी अच्छी गाड़ी है ना? क्या ये फार्मर की गाड़ी है? इसमें कैसे खेती करेंगे? तो क्या ये डॉक्टर की गाड़ी है? नहीं, हमने अभी जाना कि डॉक्टर की गाड़ी एम्बुलेंस होती है। तो फिर क्या ये पुलिसमैन की गाड़ी हो सकती है? बताओ बताओ, सोचो सोचो। हाँ, ये पुलिसमैन की गाड़ी है। बिल्कुल सही पहचाना दोस्तों, पुलिस कार को पुलिसमैन चलाते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे। बाय बाय। हेलो दोस्तों, मैं आ गया, आपका प्यारा सा छुटकू सा दोस्त कैंडी एलिफेंट। यह मेरा स्कूल और मैं इस वक्त अपनी क्लास में हूँ। आज हम सीखेंगे फ्रूट्स के नाम। क्या तुम तैयार हो? तो चलो। मेरा नाम है कैंट, मैं हूँ छुटकू सा एलिफेंट। ये वाला फ्रूट है मेरी पसंद, इसका रंग लाल है मेरे फ्रेंड्स। बताओ बताओ कौन सा फ्रूट हुआ ये? चलो एक हिंट देता हूँ, मम्मा कहती है रोज इसे खाओगे तो हेल्दी रहोगे। बताओ बताओ। ओहो, टाइम खत्म हो गया, मैं बताता हूँ, ये एप्पल यानी सेब है। ये मेरा नाम है केन, मैं हूँ छुटकू सा एलिफेंट। ये वाला फ्रूट है मम्मी की पसंद, इसका रंग है बैंगनी मेरे फ्रेंड। चलो एक हिंट देता हूँ, ये खाने में थोड़े से खट्टे होते हैं, इनका गुच्छा होता है और इन्हें तोड़कर खाया जाता है। ओहो, टाइम खत्म हो गया, गैस किया या नहीं? हाँ, ये ग्रेप्स यानी अंगूर है। बहुत बढ़िया, तुमने गैस कर लिया। मुझे ग्रेप्स बहुत पसंद हैं। मेरा नाम है केंट, मैं हूँ छुटकू सा एलिफेंट। ये वाला फ्रूट है लूक की पसंद, इसका रंग है नारंगी मेरे फ्रेंड्स। बताओ ये कौन सा फ्रूट हुआ? थोड़ा सा खट्टा होता है ये। ये नारंगी रंग का होता है। ओहो, टाइम अप हो गया। हाँ, सही पहचाना, ये ऑरेंज यानी संतरा है। वाह वाह। चलो अब अगला वाला। मेरा नाम है केन, मैं हूँ छुटकू सा एलिफेंट। ये वाला फ्रूट है डैडी की पसंद, इसमें है अलग अलग सारे रंग। बताओ ये कौन सा है? इसके सर पर एक हेयर स्टाइल होता है और बदन नुकीला। गेस कर लिया। कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ, ये है पाइनएप्पल यानी अनानास। ये बहुत बढ़िया, ये मम्मा मुझे गोल गोल काट कर देती हैं। ये बहुत जूसी होता है। अब अगला वाला। मेरा नाम है केंट, मैं हूँ छुटकू सा एलिफेंट। ये वाला फ्रूट है टिम की पसंद, इसका रंग है पीला मेरे फ्रेंड्स। बताओ बताओ ये किसकी ड्राइंग है? जल्दी जल्दी गेस करो कौन सा फ्रूट है। बताओ बताओ। अरे टाइम अप हो गया। कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ, ये है बनाना यानी कि केला। टिम मंकी है ना, इसलिए उसे ये वाला फ्रूट बहुत पसंद है। अब आगे बढ़ते हैं। मेरा नाम है केंट, मैं हूँ छुटकू सा एलिफेंट। ये वाला फ्रूट है मोमो की पसंद, इसका रंग है हरा मेरे फ्रेंड्स। बताओ ये कौन सा फ्रूट हो सकता है? बताओ बताओ, किसी ने गेस किया? ओहो, टाइम खत्म हो गया। कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ, ये है पेयर यानी कि नाशपाती। बहुत अच्छा गेस करते हो दोस्तों। मेरा नाम है केंट, मैं हूँ छुटकू सा एलिफेंट। ये वाला फ्रूट है केंट की पसंद, इसका शेक होता है डिलीशियस मेरे फ्रेंड्स। बताओ ये कौन सा फ्रूट है? ये खाने के साथ साथ दिखने में भी क्यूट होते हैं दोस्तों, छोटे छोटे। क्या गेस कर लिया? ओहो, टाइम खत्म हो गया। हाँ, ये स्ट्रॉबेरी है। मम्मा मुझे इसका शेक बनाकर पिलाती है। चलो अब बताओ ये कौन सा है? मेरा नाम है केंट, मैं हूँ छुटकू सा एलिफेंट। ये वाला फ्रूट है दादू की पसंद, बाहर से हरा अंदर से लाल है मेरे फ्रेंड्स। क्या तुम गेस कर पाई? ये वाला तो ज्यादा हार्ड भी नहीं है, मैंने इसका एक ही टुकड़ा बनाया। ओ, टाइम अप हो गया। ये है वाटरमेलन यानी कि तरबूज। ये ना गर्मियों में ज्यादा खाए जाते हैं। चलो अब अगला वाला देखते हैं। मेरा नाम है केंट, मैं हूँ छुटकू सा एलिफेंट। ये वाला फ्रूट है सबकी पसंद, क्यूट होते हैं जैसे मेरे फ्रेंड्स।
बताओ किसी ने पहचाना? ये कौन सा फल है? बताओ बताओ, जल्दी जल्दी सोचो। ओ, टाइम अप हो गया। मैं बताता हूँ, ये है चेरी। बहुत अच्छा खेला दोस्तों, सब कुछ पहचान लिया। ओहो, बेल भी बज गई। आज के लिए इतना ही, बहुत मजा आया। अब मैं जा रहा हूँ, अगली बार फिर मिलूंगा। बाय बाय, अपना ख्याल रखना। हाय दोस्तों, मैं हूँ कैंटिक छोटू सा एलिफेंट। खेलेंगे गिनती का खेल आज हम। दिखा देंगे हम में कितना है दम। तो चलो चले। हो रहा हूँ मैं अपनी कार में सवार। इकट्ठा करने हैं संतरे यानी ऑरेंजेस इस बार। चलो चलो, अब ऑरेंजेस की गिनती शुरू करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। बिल्कुल सही, ये है पूरे 6 ऑरेंजेस। बहुत बढ़िया। चलो अब देखते हैं अगला फल कौन सा है। सेब यानी एप्पल। और इसे लेने चला मैं अपनी चिक चिक ट्रेन में। देखो दौड़ रही है ये कितनी तेजी से। चिक 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 चिक। चलो गिनती शुरू करें। 1, 2, 3, 4 और ये 5। बहुत अच्छे, हमारे पास है 5 एप्पल्स। अब अगला फल क्या है बोलो। अनन्नास यानी पाइनएप्पल। आज मैं हूँ अपनी फिशिंग बोट पर। हेलो, कैसे हो आप? ये पाइनएप्पल्स कलेक्ट करने में कितना मजा आ रहा है ना? बहुत बढ़िया। चलो अब इनकी भी गिनती करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 अनन्नास। बिल्कुल सही दोस्तों, यहाँ है 7 पाइनएप्पल्स। अब किस फल की बारी है? पेर यानी नाशपाती। पेर लेने के लिए मैं चला प्लेन में। अब गिनती करें। 1, 2, 3, 4। तो कितने हैं? ये है पूरे 4 पेयर्स। बहुत बढ़िया। अब कौन सा फल है? स्ट्रॉबेरी। इसे लेने के लिए मैं जाऊंगा स्पेस रॉकेट में। बहुत मजा आ रहा है मुझे। अरे ये देखो स्ट्रॉबेरी। 1, 2, 3। तो कितने स्ट्रॉबेरीज हमने कलेक्ट किए? 1, 2, 3। तो हमने कलेक्ट किए पूरे 3 स्ट्रॉबेरीज। क्या बात है दोस्तों। ओहो, चांदनी रात में ये जगह कितनी सुंदर लगती है पिकनिक मनाने के लिए। मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी आना। बाय। ये मेरा ट्रैक्टर, चले कितना फास्टर। हाय दोस्तों, मैं हूँ कैंटिक छोटू सा एलिफेंट। करेंगे एक काम, जाके अपने फार्म। पर मैं सबसे पहले क्या उगाऊंगा, सब्जी या फल? आहा, अरे ये कौन सा पौधा है? बताओ दोस्तों, क्या ये गोभी है? नहीं नहीं, क्या ये आलू है? नो नो, ये तो टमाटर है। लाल लाल, कर दिया ना हमने कमाल। आहा, टमाटर बड़े मजेदार। चलो अब कुछ और उगाते हैं, मजा आ रहा है ना दोस्तों। चलो आगे बढ़े। अरे ये बेल पे क्या है? अरे इसकी जगह क्या फिट होगा? एप्पल्स यानी सेब। नहीं नहीं, तो फिर तरबूज। इतना बड़ा तरबूज कैसे फिट होगा यहाँ? तो फिर अंगूर ही होंगे। हाँ, अंगूर यानी ग्रेप्स लग गए यहाँ। अंगूर फिट हो गए, मैं हो गया खुश। आज मैं पीऊंगा अंगूर वाला जूस। और बीज बोते हैं, थोड़ा और पानी भी डालते हैं। वाह, ये जमीन के नीचे क्या उग रहा है? बताओ दोस्तों, चलो देखते हैं यहाँ कौन सी सब्जी लग सकती है। बिल्कुल नहीं, क्या आपको लगता है गाजर है सही?
अरे इसका तो शेप ही अलग है, शायद ये आलू हो सकता है। हाँ और इसमें तो ढेर सारे लगे हैं। चल गया है मेरा जादू, यहाँ लग गए कितने सारे आलू। एक गाना गाओ। आलू कच्चालू बेटा कहाँ गए थे, बोलो कहाँ गए थे। ये जमीन पर क्या उग रहा है? ये तो बेल है। चलो देखते हैं इनमें से कौन सा फल फिट होता है। एप्पल? नहीं ये नहीं लग रहा, शायद अंगूर। अरे नहीं नहीं ये भी नहीं, मैं ना वाटरमेलन यानी तरबूज लगा के देखता हूँ। अरे ये तो बिल्कुल सही फिट हो गया, तरबूज भी बेलों पे उगते हैं। और देखो तो ये कितने बड़े होते हैं। ओहो सारे फल और सब्जियाँ मैच हो गए। हमने ढूंढा तरबूज, आलू, टमाटर और अंगूर। अब मैं घर जाके फलों का जूस पीऊंगा और ताजी सब्जियाँ खाऊंगा। जल्दी मिलेंगे, बाय बाय। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है केंट, मैं हूँ छोटू सा एलिफेंट। आज हम सीखेंगे विपरीत शब्द यानी ऑपोजिट्स। ऑपोजिट्स यानी जिनका मतलब होता है उल्टा। जैसे दिन का विपरीत शब्द होता है रात। तो ऑपोजिट सीखने के लिए रेडी? तो बताओ क्या होता है बड़ा का ऑपोजिट? क्या वो होता है छोटा या फिर ठंडा? सही कहा आपने, बड़ा का ऑपोजिट होता है छोटा। देखो हाथी है बड़ा और चूहा है कितना छोटा। चलो आगे बढ़े। बोलो तो क्या होता है भरा का ऑपोजिट? क्या होता है ये उदास या फिर खाली? जवाब है खाली। ये ग्लास है भरा और ये खाली, तो बजाओ ताली। करते हैं अब हम अगला ट्राई। देखो यहाँ मैंने उठाया है कुछ बहुत भारी। क्या होता है भारी का ऑपोजिट? हल्का या उदास? मेरा चेहरा तो उदास सा है। लेकिन इसका सही जवाब है हल्का। पंख होता है हल्का, पत्थर है भारी और पंख है हल्का। चलो एक और करते हैं। हमारे पास ये चेहरा है जो खुश है, तो बताओ खुश का ऑपोजिट उदास होना चाहिए या ठंडा? बिल्कुल सही, उदास। लेकिन मैं तो बहुत खुश हूँ। खुश का ऑपोजिट होता है उदास। वैसे कैसा है आपका हाल? चलो करते हैं एक और। हमारे पास है ये साफ हाथ। साफ का ऑपोजिट हल्का होता है या गंदा? एकदम सही, साफ का ऑपोजिट होता है गंदा। ये हाथ है साफ और ये है पूरा गंदा। यहाँ है आग और ये होती है बहुत गर्म। तो बताओ गर्म का ऑपोजिट छोटा होगा या ठंडा? हाँ हाँ, गर्म का ऑपोजिट होता है ठंडा। आग होती है गर्म और बर्फ होती है ठंडी। कितना मजा आया, अगली बार मिलेंगे, बाय बाय। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है केंट, मैं हूँ छुटकू सा एलिफेंट। आज का टास्क है मेरी पसंद, साथ देना दोस्तों टिल द एंड। अरे ये क्या, इससे तो रंग बिरंगी बॉल्स निकलने लगी। वावा, गुब्बारे जैसी हल्की फुल्की लग रही है, लेकिन इनका क्या करना होगा पता नहीं। खेल सब ऐसे उड़ क्यों रही है? ओ पड़ूम, ये तो पैर यानी नाशपाती है। पड़ूम, अरे ये तो मैंगो यानी की आम है, मेरा फेवरेट, मैंने गर्मियों में खाता हूँ। देखते हैं अगला वाला कौन सा है। पड़ूम, कीवी, ये मेरी बहन को पसंद है। और पड़ूम, और आखिरी वाला है एप्पल यानी की सेब। इसे अंदर डालूंगा तो बाहर आइसक्रीम आएगी। कौन से रंग की आइसक्रीम है? रेड यानी की लाल। अब इसे डाल दूंगा, देखो आ गई। ये है ब्राउन यानी भूरे रंग की आइसक्रीम। ये अब आगे जाता हूँ। हाँ, पहुँच गया। अब इसे डाल देते हैं। और ये येलो यानी की पीले रंग की आइसक्रीम। और अब इसे भी डाल देता हूँ। अरे वाह, आ गई ग्रीन यानी हरे रंग की आइसक्रीम। ये, अरे ये तो एक और सेट आ गया। पहला वाला तो मैंने जीत लिया था, ये वाला भी जीत जाऊंगा।
चलो शुरू करते हैं। अरे फिर से आ गई है गुब्बारे। ओहो अलग अलग रंग के गुब्बारे हैं। अरे वाह मजा आने वाला है, कितने अच्छे रंग है ना। चलो शुरू करते हैं। पुडुम, ये है ग्रीन यानी की अंगूर, और पुडुम, ये है ऑरेंज यानी की संतरा। आप तीसरे वाले की बारी। कूद कूद कर जाऊंगा और पहुंच गया। पुडुम, ये है ड्रैगन फ्रूट, मुझे ये पसंद है। और पुडुम, ये है ब्लूबेरी। अरे वाह कितने सारे नए फ्रूट्स हैं। अब ये आइसक्रीम बनकर आ गई, ब्लू यानी नीले रंग की। अब इसे भी डाल देता हूँ और ये पिंक रंग की आइसक्रीम आ गई यानी गुलाबी रंग की। अब कूद कूद कर आगे जाता हूँ और पहुँच गया। अब इसे अंदर डालता हूँ, आ गई ऑरेंज यानी नारंगी रंग की आइसक्रीम। और ये ग्रेप्स भी डाल दिए, ये आ गई पर्पल यानी बैंगनी रंग की आइसक्रीम। बाय बाय। मेरा नाम है केंट, मैं हूँ छोटा सा एलिफेंट, मैं रहता हूँ दोस्तों के संग, उन्हीं से है मेरी लाइफ में रंग। हेलो लोका डेम, तुम दोनों क्या कर रहे हो? क्या मैं भी तुम्हारे साथ खेलूं? हाँ केंट, आ जाओ। आज हम एक बहुत ही बढ़िया गेम खेल रहे हैं और मैं एक वॉरियर बना हूँ, देखो मुझे। हाँ इस लाइट से खेलने में बहुत मजा आ रहा है। लेकिन ये बताओ तुम दोनों ने ये मास्क क्यों पहन रखा है? तुम्हें नहीं पता केंट कि चाइना में क्या हुआ है? नहीं मुझे नहीं पता क्या हुआ। जानते हो कोरोना वायरस पूरे चाइना में फैल गया है। चाइना में कहाँ पर? चाइना में एक खूबसूरत शहर है वुहान, जो येलो क्रेन टावर के लिए जाना जाता है। वहाँ कोरोना वायरस फैला हुआ है, उसने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया है। क्या कोरोना वायरस, वो कैसे फैला? ये एक इंसान से दूसरे को होता है अगर वो बहुत पास रहते हैं तो। इसीलिए हमने सावधानी के तौर पर ये मास्क पहन रखा है। क्या तुम्हें पता है अगर तुम्हें बुखार खांसी या छींक आए तो तुम्हें सीधा डॉक्टर के पास जाना चाहिए। किंड को तो अब डर लग रहा है। डरने की बात तो है लेकिन तुम चिंता मत करो, जहाँ परेशानी है उसका हल भी साथ में है। बस संभल कर रहो और कोरोना वायरस को फैलने से रोको। तो केंट बताओ हम खाने से पहले क्या करते हैं? हम अपने हाथ धोते हैं। सही कहा, लगातार साबुन या सैनिटाइजर से हाथ साफ करने से हम इन्फेक्शन फैलने के खतरे को कम कर सकते हैं। और हाँ, खुद को और अपने आसपास सफाई बनाए रखना बहुत जरूरी है। पर मैं तो हमेशा अपना कमरा साफ रखता हूँ। ये तो बहुत ही अच्छी आदत है केंट, बहुत अच्छे। और जो खाना हम खाते हैं? अरे हाँ, उन्हें अच्छे से पानी से धोकर खाओ और हरी सब्जियाँ और फल खाना बहुत जरूरी है। केंट अब सारी बातें समझ गया। हम मिलकर इस कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ सकते हैं और अपनी खूबसूरत दुनिया को बचा सकते हैं। हेलो दोस्तों, मैं कैंडी एलिफेंट और मेरे पास एक बॉक्स है जिसमें एक ड्राइंग है जो अधूरी है, इसमें रंग भरना है। मेरा नाम है केंट, मैं हूँ छोटा सा एलिफेंट। आज की ड्राइंग में है एक फन आकार के नाम सीखेंगे हम, जैसे स्क्वायर यानी चौकोर। शायद पेगो के पास कलर्स होंगे। सुनो पेगो, क्या मुझे वो स्क्वायर यानी चौकोर मिलेगा? हाँ हाँ क्यों नहीं, ये लो गैंग। थैंक्स पेगो। अरे ये तो फिट हो गया, ये परफेक्ट है। आज तो प्रिंटिंग में बहुत मजा आ रहा है। ये है रेक्टेंगल्स यानी कि समकोण। हे टीम, क्या मुझे इनमें से एक रेक्टेंगल मिल सकता है? हाँ हाँ क्यों नहीं केंट, ये लो। थैंक यू। वाओ, अब तो ये भी सेट हो गया। आज तो मैं पतंग उड़ाऊंगा। सारा काम हो गया, बस इन सर्कल्स यानी गोलों को इसमें लगाना है। हे लोग, क्या मुझे इनमें से कुछ सर्कल्स यानी गोले दे सकते हो प्लीज? हाँ बिल्कुल केंट, ये लो। थैंक यू। बाय बाय। वाह क्या बात है, अब मुझे इसमें से ट्रायंगल काटना है यानी कि त्रिकोण। अब इसमें लग गया एक ग्रीन ट्रायंगल। बढ़िया, तो हमने आज लगाया है सर्कल यानी गोला, रेक्टेंगल यानी समकोण, ट्रायंगल यानी त्रिकोण, स्क्वायर यानी चौकोर। भूलना मत, अब मैं चलता हूँ दोस्तों, बाय। हेलो दोस्तों, मैं आ गया, आपका छोटा सा प्यारा सा दोस्त कैंडी एलिफेंट। आज हम काउंटिंग सीखने वाले हैं, तो तुम सब तैयार हो तो शुरू करते हैं।
नाम है केंट। मैं हूँ छोटा सा एलिफेंट। आज करेंगे गिनती लर्न। सबकी बारी आएगी लेकिन पहली है मेरी टर्न। अरे वाह, इतनी जल्दी सारी फोटोज भी आ गई। कितनी सारी चीजें हैं ना इसमें। इसमें बनाना यानी केले हैं जो मुझे बहुत पसंद हैं। तो चलो सबसे पहले इन्हें गिन लेते हैं। चलो शुरू करें दोस्तों। एक यानी वन, दो यानी टू, तीन यानी थ्री, चार यानी फोर, पाँच यानी फाइव। तो हमारे पास हुए पाँच केले यानी कि बनानास। ये बहुत बढ़िया दोस्तों। अब अगली चीज कौन सी है? कार्स। चलो कार्स को गिनते हैं। चलो काउंटिंग शुरू करें दोस्तों। एक यानी वन कार। अरे ये कार नहीं है, ये तो पेंसिल है। दो यानी टू कार्स। तीन यानी थ्री कार्स। हमारे पास है तीन कार्स यानी कि गाड़ियाँ। हमने जल्दी जल्दी काउंट कर लिया। चलो इन्हें बास्केट में डाल देते हैं। अब अगली चीज कौन सी हो सकती है? हाँ पेंसिल। एक यानी वन, दो यानी टू, तीन यानी थ्री, चार यानी फोर, पाँच यानी फाइव और छह यानी सिक्स। हमारे पास है छह पेंसिल। ये बहुत बढ़िया। इससे मैं लिखूंगा भी और ड्राइंग भी करूंगा। तो अब हमारी बारी है गिफ्ट्स को गिनने की। कितने दिखाई दे रहे हैं? एक यानी वन, दो यानी टू, तीन यानी थ्री, चार यानी फोर। हमारे पास चार गिफ्ट्स हैं, जो मैं अपने चार दोस्तों को दूंगा। रख दिए बास्केट में। अब गिनना है कि हमारे पास कितनी कैंडीज हैं। चलो एक यानी वन, दो यानी टू, तीन यानी थ्री, चार यानी फोर, पाँच यानी फाइव, छह यानी सिक्स, सात यानी सेवन और आठ यानी एट। हमारे पास आठ लॉलीपॉप्स यानी कैंडीज हैं। यमी यमी। चलो अब हम एक और राउंड खेलते हैं क्योंकि आप सबको बहुत मजा आया मैं जानता हूँ। देखो कितनी सारी चीजें आ गई। ओह कितनी बटरफ्लाईज है यहाँ। गिनो गिनो। एक यानी वन, दो यानी टू, तीन यानी थ्री, चार यानी फोर, पाँच यानी फाइव, छह यानी सिक्स। हमारे पास छह सुंदर सुंदर येलो बटरफ्लाईज हैं। बहुत बढ़िया दोस्तों। तो हमारे पास यहाँ कितने कप्स हैं? एक यानी वन, दो यानी टू, तीन यानी थ्री। अरे वाह, आप तो जल्दी जल्दी करने लगे। क्या बात है दोस्तों, जल्दी सीख रहे हो। चलो अब अगली चीज गिनते हैं जो है बॉल्स। ये वाली बॉल बास्केटबॉल है। एक यानी वन, दो यानी टू, तीन यानी थ्री, चार यानी फोर, पाँच यानी फाइव, छह यानी सिक्स, सात यानी सेवन, आठ यानी एट। हमारे पास आठ बास्केटबॉल्स हैं। ये हम इतनी सारी बॉल्स का करेंगे क्या? चलो अब क्रेयॉन्स को गिनते हैं। शुरू करो। एक यानी वन, दो यानी टू, तीन यानी थ्री, चार यानी फोर, पाँच यानी फाइव, छह यानी सिक्स, सात यानी सेवन, आठ यानी एट, नौ यानी नाइन, दस यानी टेन। वाओ, हमारे पास दस क्रेयॉन्स हैं। इससे मैं और मेरे सारे फ्रेंड्स एक साथ कलरिंग करेंगे। अब हमें गिनने हैं कि कितने बटन्स हैं यहाँ पर। एक यानी वन, दो यानी टू। अरे ये तो सिर्फ दो ही हैं। हमने सारी चीजें गिन ली। ये चलो दोस्तों एक और लास्ट राउंड हो जाए। देखो देखो चीजें आ गई। सबसे पहली चीज है गाइड्स। तो यहाँ पर कितनी गाइड्स हैं? रेडी। एक यानी वन, दो यानी टू, तीन यानी थ्री, चार यानी फोर। हमारे पास चार गाइड्स हैं। ये क्या बात है, इसको बास्केट में डाल दिया। अब यहाँ पर कितने कपकेक्स हैं? एक यानी वन,
दो यानी टू, तीन यानी क्या थ्री, चार यानी फोर। हमारे पास चार कपकेक्स हैं। ये ओके, तो हमारे पास यहाँ कितनी कीज हैं? देखो देखो, एक यानी वन, दो यानी टू, ओह सिर्फ दो ही चाबियां हैं यानी कि कीज। वाह, तुम तो बहुत जल्दी सीख रहे हो दोस्तों। अब गिनो कि यहाँ पर कितनी हैट्स हैं? हाँ, यहाँ पर तो सिर्फ एक यानी वन हैट है। ये केंट की हैट है। ये अब चलो गिनते हैं यहाँ पर कितने टमेटोज यानी टमाटर हैं। एक यानी वन, दो यानी टू, तीन यानी थ्री, चार यानी फोर, पाँच यानी फाइव। हमारे पास है पाँच रसीले टमाटर। इसे मम्मी सूप बनाती हैं। ये आज तो बहुत मजा आया, हमने काउंटिंग सीखी और गेम भी खेला। क्या बात है दोस्तों। चलो दोस्तों, अब मैं चलता हूँ, फिर मिलूंगा, बाय। मेरा बर्थडे किसी को भी याद नहीं है, मेरे सारे दोस्त भूल गए, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। हे मोमू, तुम्हारा बर्थडे है, तुम पार्टी नहीं कर रहे? नहीं लोग, मुझे नहीं करनी पार्टी वार्टी, मैं घर जा रहा हूँ, बाय। ओ ओ, अरे मोमू इतना सैड क्यों है? मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना मैं उसके लिए सबसे अच्छी बर्थडे पार्टी प्लान करूँ। बर्थडे पर केक तो होना ही चाहिए, इसीलिए मैं मोमू के लिए केक बना रहा हूँ। यम्मी स्ट्रॉबेरी केक। आहा, ये बन गया। मुझे पता है मोमू को बहुत पसंद आएगा। मेरा पिंक यानी गुलाबी केक अच्छा लग रहा है ना? क्या बात है, यम्मी केक, क्या मैं इसे खा सकता हूँ? नहीं केंट, ये केक मोमू के लिए है। ये लो, ये बलून्स यानी गुब्बारे फुलाओ। मेरा नाम है केंट, मैं हूँ छोटा सा एलिफेंट। बर्थडे मनाएंगे टिल दी एंड, मजे करेंगे मिलके मेरे फ्रेंड। हेलो दोस्तों। अरे वाह, कितनी सुंदर डेकोरेशन हुई है। मैं पार्टी के लिए ऑरेंज यानी कि नारंगी पार्टी हैट्स लेकर आया हूँ। अरे वाह, कितनी सुंदर हैट्स है। ये सारा काम हो गया। अरे देखो, मोमो आ गया। सरप्राइज। वाओ, ये तो बहुत अमेजिंग है। ये रहा तुम्हारा गिफ्ट मोमो, ग्रीन यानी हरे रंग का। ये आज बहुत मजा आया, हमने कई चीजों के नाम सीखे, जैसे गुलाबी केक, नीले गुब्बारे और टिम ऑरेंज यानी नारंगी हार्ट्स लेकर आया, और हम सब ने उसे ग्रीन यानी हरे रंग का गिफ्ट बॉक्स दिया। उम्मीद करता हूँ तुम्हें पसंद आया। हैप्पी बर्थडे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है केंट, मैं हूँ छोटू सा एलिफेंट। आज मैं अपनी सफारी गाड़ी में कुछ जानवरों की तलाश में हूँ, तो लो हम चले। ओह देखो देखो, वो ऊपर देखो, ओए ये तो शेर है, पर इसमें कुछ तो अधूरा लग रहा है। क्या आपको पता है, क्या वो धारिया हो सकती है? नहीं, तो क्या सींग? क्या कहते हो आप? नहीं, ये भी सही नहीं है। अरे ये तो मेन है, शेर में मेन की कमी थी। अब तो मैंने नया दोस्त भी बना लिया है। अरे वाह, देखो वहाँ एक हाथी है, पर यहाँ भी कुछ गड़बड़ है। क्या लग रहा है आपको दोस्तों, किस चीज की कमी है? क्या हाथी में हॉर्न यानी सींग होता है? नहीं, ये सही नहीं, शायद हाथी में सूंड यानी ट्रंक की कमी है। बिल्कुल सही कहा, हाथी को केले बहुत पसंद है। ये लो थोड़े से केले खा लो, स्वादिष्ट है ना? हाय डायनासोर। ओह क्या हुआ आपको, कुछ तो कमी लग रही है, पर क्या हो सकता है? मुझे पता है, ट्रंक की कमी है। नहीं, वो तो हाथी को लगती है, तो हॉर्न यानी सींग। बिल्कुल सही कहा, शाबाश, आप हॉर्न के साथ बहुत अच्छे लग रहे हो राइनोसर। तो ये हम चले। देखो कोई पेड़ पे लटक रहा है, कौन है वो? और काफी उदास भी लग रहा है, यहाँ भी किसी चीज की कमी तो है। क्या वो हॉर्न है? नहीं, ये तो गलत है।
मेल हो सकता है? नहीं, वो तो शेर का है। तो क्या धारियाँ? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। ये तो बाघ यानी टाइगर है। देखो वो अपनी स्ट्राइप से कितना खुश है। चलो थोड़े और जानवरों को ढूंढने चलते हैं। यहाँ क्या है हमारे पास? ये तो लोमड़ी यानी फॉक्स जैसी दिख रही है। हेलो, कैसे हो आप? पर कुछ तो कमी है ना? क्या हो सकता है वो? क्या वो सींग हो सकता है? नहीं। तो क्या पूंछ? जी हाँ, ये तो सही कहा। क्या मजा आया आज सफारी में। मिलते हैं, बाय। हाय दोस्तों, मैं हूँ केंटेक छोटू सा एलिफेंट। क्या आप मेरी मैजिक ड्राइंग देखने के लिए रेडी हो? तो चलो चलें। अरे अरे, पहले बताओ तो सही, ये क्या है? दो पहिए, दो दरवाजे, ये तो बन गई कार। होता हूँ मैं अब इस पर सवार। कितना मजा आ रहा है ना दोस्तों? रूम रूम। चलो कर लेता हूँ अपने दोस्तों से मुलाकात। ले चलता हूँ उनको भी मैं अपने साथ। अरे मोमो, तुम्हारी टोपी। चलो चलिए स्कूल, पढ़ाई का बना लो अब मूड। आज हम कुछ नया सीखते हैं। ये बताओ तो जरा, पाँच में जुड़े छह तो होते हैं कितने? मैं बताता हूँ, इसका जवाब है 11। आपने भी साथ में जवाब दिया ना? लो आ गए हम बीच पर। आ रहा है ना मजा? चलो दोस्तों, इसी बात पर एक फोटो खींच लो। किचिक, देखते हैं सबसे पहले कौन पहुंचेगा। ये देखो, मैं इस फ्लोटिंग ट्यूब में कैसे तैर रहा हूँ। स्विमिंग स्विमिंग करते। ये ऐसे बनाकर रेत का महल, मेरा दिल जाता है बहल। अब मैं बनाऊंगा रेत में एक स्माइली। देखो ये क्या मस्त बन गया। चलो अब खेल के मैदान में चलते हैं। वहाँ ढेर सारी मस्ती करेंगे। ये। अरे लुक, जल्दी से गोल करो। हाँ हाँ, तुम कर सकते हो। अरे नहीं। देखा, हो गया ना गोल। जब मिले हो दोस्त तीन, बन जाता है अच्छा सीन। अब घर जाने की है बारी, और देखते ही देखते खत्म हो गई अपनी सवारी। हो, मेरी मैजिक कार में सवार होकर मजा आया ना? तो अगली बार फिर मिलेंगे। बाय बाय। हाय, मैं हूँ केंटेक छोटू सा एलिफेंट। क्या आप मेरे साथ मजेदार कार्ड गेम खेलना पसंद करोगे? तो चलो शुरू करें। पहले पलटते हैं ये गुलाबी यानी पिंक कार्ड। ओह, ये क्या है? ये तो है एप्पल पाई। तो एप्पल पाई के साथ कौन सा कार्ड जुड़ेगा? क्या ये सही कार्ड है? मुझे तो नहीं लगता। आपका क्या ख्याल है? बोलो भाई। नहीं नहीं, ये तो आलू यानी पोटैटो है। चलो अब इस रेड यानी लाल कार्ड को देखते हैं। बिल्कुल सही, ये है सेब यानी एप्पल। एप्पल पाई बनता है एप्पल से। बहुत बढ़िया। चलो अब अगला ट्राई करें। अब पलटेंगे हम नीला यानी ब्लू कार्ड। ओह, ये क्या है? ये तो फ्राइज है, यम्मी। तो कौन सा कार्ड इससे मिलेगा? चलो हरे कार्ड के पीछे देखते हैं क्या है। ये तो दूध की बोतल है। क्या ये सही जवाब है? ओ, नहीं, ये तो गलत है। ये थोड़ी ना फ्राइज के साथ मेल खाती है। तो फिर क्या पीला कार्ड? हाँ, सही जवाब। इसमें है आलू यानी पोटैटो, और फ्राइज बनती है पोटैटो से। बहुत अच्छा कर रहे हो आप। चलो फिर से खेलते हैं। अब बारी है नारंगी यानी ऑरेंज कार्ड की। तो क्या है इसमें? ओह, इसमें है मिल्क शेक। वाओ, स्ट्रॉबेरी मेरा फेवरेट है। क्या
ये सही कार्ड है। हाँ, क्या फट से पहचान लिया। ये दूध है। मिल्कशेक बनता है दूध से। वाह वाह, बहुत अच्छे। अब बारी गुलाबी यानी पिंक कार्ड की। तो क्या है इसमें? ये तो है एक टेबल। बहुत अच्छा कर रहे हो आप। तो कौन सा कार्ड सही होगा? क्या ये? लेकिन ये क्या है? ये तो दिख रहा है रुई यानी कॉटन जैसा। लेकिन ये तो नहीं है सही जवाब। तो शायद ये? हाँ, यही तो है। पता है क्यों? क्योंकि ये लकड़ी है और टेबल तो बनता है लकड़ी से। बहुत बढ़िया। अब बारी है नीले यानी ब्लू कार्ड की। नीले कार्ड पलट जाओ। क्या है ये? ये तो धारीदार तकिया है। तो कौन सा कार्ड होगा इससे मैच? चलो देखें। ओ, क्या है इसमें? क्या ये ऊन है? लेकिन ये इससे मेल नहीं खाता। तो कौन सा कार्ड होगा इससे मैच? तो अब इसे पलट के देखें। वाह, ये तो है रुई यानी कॉटन। बिल्कुल सही। ये तकिया इस कॉटन से बना है। क्यों दोस्तों, आ रहा है ना मजा? अब देखते हैं नारंगी यानी ऑरेंज कार्ड को। क्या है ये गुलाबी रंग में? ये तो है एक स्वेटर। कौन सा कार्ड रहेगा इसके लिए बेटर? क्या ये? ये सही पहचाना। स्वेटर हम सर्दियों में पहनते हैं और स्वेटर बनता है ऊन यानी वूल से। क्या बात है दोस्तों। हमने इस गेम को बहुत अच्छे से खेला। इस कार्ड मैचिंग गेम में आपको मजा आया ना? तो फिर मिलेंगे। बाय। हाय दोस्तों, मैं हूँ केंटेक छोटू सा एलिफेंट। चलो आज हम कुछ नया ड्रॉ करेंगे, तो आओ मेरे साथ। आज हम इस कागज का इस्तेमाल करके बनाएंगे आउल यानी उल्लू। तो पहले इसे ड्रॉ में कर लूं। इसके पंख, फिर कान, अब है चेहरे की बारी, फिर इसका पेट और पैर भी। बहुत बढ़िया। ये देखो, इसके सारे पार्ट्स भी आ गए। ये तो मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है। चलो पहले इसे लगाते हैं। नहीं, ऐसे नहीं। हाँ, अब ये वाला हिस्सा कहाँ लगेगा? नहीं नहीं, बहुत बढ़िया। अब इसे कहाँ लगाएं? ये तो आंखें लग रही है। बिल्कुल सही। ये तो पंख है। इसे घुमा के देखें। क्या बात है दोस्तों, ये क्या चीज है? अरे ये तो पेट है। सही फिट हो गया दोस्तों। और आखिर में लगाने हैं इसके पैर। तो ये बन गया हमारा आउल यानी उल्लू। फिर मिलेंगे दोस्तों, अभी के लिए अलविदा। मैं आपका फेवरेट हूँ ना, तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। एक छोटा केंट।